मेरा ट्रांसफर 2019 में आसाम में हो गया था। मैं पिछले साल ट्रांसफर की स्थाई तो बहुत परेशान थी। गुरु जी महाराज से पिछले साल ही जुड़ना हुआ था अक्टूबर में। मेरी बहन बहुत मानती थी, वो कहती थी तू चिंता मत कर, गुरु जी महाराज तेरे साथ हैं। बहुत गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी मुझे मेरे घर जाना है, मुझे देहरादून जाना है। गुरु ने कहा कि ऐसे रास्ते खोले, ऐसे रास्ते खोले कि आप सोच नहीं सकते। और अप्रैल के महीने में मेरी जब लिस्ट आई तो मैं देहरादून ट्रांसफर होकर अपने परिवार के साथ साथ ही मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। एक सप्ताह और है जब मेरा परिवार आसाम में मेरे पास मिलने के लिए आया, मेरा बेटा तो मेरे हस्बैंड, तो हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। मेरे बेटे ने गलती से अपना वॉलेट फ्लाइट में ही छोड़ दिया, उसके वॉलेट में गुरु जी का स्वरूप था। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो उसके हस्बैंड के पास कॉल आया कि आपके बेटे का या बेटे के नाम से ही उसका वॉलेट फ्लाइट में छूट गया है। तो हस्बैंड ने बोला कि तो हम बहुत दूर आ रहे हैं, कल हमारी इसी एयरपोर्ट से फ्लाइट है तो हम उसका ले लेंगे। तो बेटे ने मुझे बताया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप विश्वास करेंगे कि वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उन्होंने बोला कि अगर आप डायरेक्टली बच्चे का वॉलेट लेंगे तो बहुत लंबे प्रोसीजर्स होंगे। और उन भैया ने आकर मेरे बेटे के हाथ में सीधा वॉलेट दे दिया। और मेरे बेटे ने क्या कहा, मम्मी आप तो यही बोलोगे ना कि वॉलेट है, गुरु जी है तो कुछ होना ही नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।